जय श्री कृष्णा। एक सवाल आया है कि बच्चे नहीं सुनते, उसके रिलेटेड ही सवाल है कि बच्चे को सिखाना चाहते, कुछ अच्छी बातें बताना चाहते और बच्चे सुनते नहीं। कृपा करके मेरी ये बात को, मेरी तो आपको हाथ जोड़ के विनती है, ये केवल आपके बच्चे का नहीं, देश के भविष्य का भी सवाल है। ध्यान से सुनिएगा, कोशिश कीजिएगा, और मैं भी कोशिश करता हूँ कि ठीक से समझा पाऊँ, तो माता सरस्वती मुझे शक्ति दे। प्लीज नोट कीजिए इस बात को कि क्या हो रहा है, पेरेंट आजकल ना छोटी मोटी बातों में इतने पजेसिव हो गए हैं, इतने पजेसिव हो गए हैं कि बच्चे पेरेंट से डिस्कनेक्टेड रह रहे हैं। मतलब खाने में पजेसिव, इसमें पजेसिव, उसमें पजेसिव, ये एक्टिविटी वो एक्टिविटी, तो बच्चे को लग रहा है कि यार ये पेरेंटिंग नहीं अकाउंटिंग हो रही है। क्या हो रही है? अकाउंटिंग हो रही है, सबका हिसाब हो रहा है, यू नो, स्कोर का भी, इसका भी, उसका भी, और हर जगह पेरेंट चाहते कि मेरा बच्चा अव्वल आए, जो कि नहीं है पॉसिबल। एक या दो चीजों में आपका बच्चा बेहतरीन कर सकता है, हर चीज में कर रहा है, मतलब आप बच्चे का नुकसान कर रहे हो। भगवद गीता में लिखा है, व्यवसायात्मिका बुद्धि एके हे गुरु नंदन बहुशाखा यह नंदाश बुद्धयो व्यवसाय नाम। जो हर चीज में ध्यान देता है वो कहीं ध्यान नहीं देता है, उसका नुकसान होना तय है, और वही सक्सेसफुल होगा जो व्यवसायात्मिका बुद्धि एके हर गुरु नंदन एक जगह पे फोकस करेगा। अब पेरेंट बच्चे को मल्टी टैलेंटेड के नाम पे 25-25 एक्टिविटी में लगा रहे, कम से कम 4-5 में लगा रहे, बच्चे का नुकसान कर रहे। प्लीज नोट करना इस बात को। दूसरी बात, अभी अभी मैंने आपको एक बहुत बड़ी कंपनी का बताया कि किस तरीके से वो पेरेंट को इमोशनल ब्लैकमेल करके उनसे पैसे निकलवा रहे, और उनको बोले ये एक्टिविटी अच्छी है, वो एक्टिविटी है, ये है, वो है। अब प्लीज नोट करना, माता पिता के साथ बच्चों का जो कनेक्ट नहीं है, उनके एक्सपेक्टेशन की वजह से बच्चे अनकंफर्टेबल है माता पिता के साथ बात करने में, तो वो किसी और की सुन रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, एक हाथ आप प्रामाणिक गुरु और माता पिता छोड़ के बच्चे के भले की कोई नहीं सोच रहा। अब जो बच्चे के भले की सोच रहा है, बच्चा उसको अपना दुश्मन मान के बैठा है, अपना मतलब अपने प्लेजर का दुश्मन, मेरी खुशी का दुश्मन। आ गया डॉन, कौन बोले पापा आ रहे? यार, ये क्या मूवी लगा रखी है तुमने? फिर क्या हो रहा है कि गलत लोग आपके बच्चे को गाइड कर रहे हैं, और ये हर घर में हो रहा है, ये केवल किसी एक व्यक्ति का प्रॉब्लम नहीं है, हर घर में हो रहा है। बच्चे डिस्कनेक्ट है अपने माता पिता के साथ, क्यों? क्योंकि माता पिता उनको रिजल्ट की बात बोल रहे हैं। अब यहाँ पे पर्सनैलिटी बेस्ड पेरेंटिंग जरूरी है। पर्सनैलिटी बच्चे की क्या है वो समझ के पेरेंटिंग करेंगे तो कुछ तो गाइड कर पाएंगे। पर्सनैलिटी का मिसमैच हो गया तो बच्चा डिस्कनेक्ट हो गया, डिस्कनेक्ट होगा तो माता पिता के नहीं सुनेगा, मतलब शुभ चिंतकों की नहीं सुनेगा। और बच्चा अगर शुभ चिंतकों की नहीं सुन रहा है तो मार्केट में तो ऐसे बहुत सारे लोग, अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिस्टिक लोग बैठे हैं जो बच्चों को इस या उस दिशा में भटकाना चाहते हैं। यस और यस, तो बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है बच्चे का, बच्चे के साथ देश के भविष्य के निर्माण का। तो मैं आप सभी को विनती करना चाहूंगा कि ये सब बातें सुधारने के लिए, देखो हम तो कितना भी भाषण दे पेरेंटिंग पे, कितना भी टेस्ट करें, उसके फायदे होते हैं डेफिनेटली। हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव, हम जो गाइड करते हैं फायदा होता है? होता है, पर सबसे बड़ा फायदा किस चीज का होगा? जब माता और पिता दोनों रिजर्वेशन के साथ बच्चों के लिए टाइम रखे। मैंने क्या कहा? रिजर्व करना पड़ेगा बच्चों के लिए टाइम, ऐसा नहीं कि जब वक्त मिला बच्चे को टाइम देंगे ना। आपको बच्चे के साथ टाइम रिजर्व करना पड़ेगा, बच्चों के साथ अलग अलग एक्टिविटी का टाइम रिजर्व करना पड़ेगा। मैं कई बार ये पापा लोगों को भी पूछता हूँ वन-टू-वन में या किसी और मीटिंग में कि पिछली बार प्लान करके बच्चे के साथ, सिर्फ बच्चे के साथ कब घूमने गए थे? वो बोलते हैं ऐसा भी करना होता है क्या? है ना, कब बैठे थे? अरे मान लो एसपीडीपी खाओ, कोई आइसक्रीम पियो, थोड़ा सा किधर इधर उधर 15 मिनट का वॉक करो, तभी जाके ये कैंडिड बातें होगी, बच्चे के साथ लाइफ का डिस्कशन होगा, उसको कुछ इनपुट मिलेंगे। अब बच्चे के सबसे बड़े शुभचिंतक दो माता पिता है ना, वो खुद इतने मेंटली बिजी है, इतने ज्यादा मेंटली ऑक्यूपाइड है कि जब आएंगे सिर्फ टोकेंगे, उसको पूछेंगे
कितना हुआ, आज का होमवर्क हुआ क्या, ये हुआ क्या, वो हुआ क्या। अब उसको जीवन के बारे में पूछना है, थोड़ा सा जनरल बात करनी है, एक्सप्रेस करना है। उसको पता है पापा ये तीन इंपॉर्टेंट सवाल पूछते हैं, इसलिए वो आना बंद कर देता है, बात करना बंद कर देता है। फिर वो बोलते ये तो मेरे से बात ही नहीं करता, मेरी सुनता ही नहीं है। स्पेशली मैं पापा लोगों को ये बात बोल रहा हूँ, तो प्लीज नोट करे, कान सहन बने, बच्चे के पास जाए, उसको सुने, उसकी बात को सुने, उसको थोड़ा समय दे, उसके साथ डिस्कस करे, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली उसको आपके संघर्ष के बारे में बताए, आपके फेल्यूर के बारे में बताए। जरूरी है से कोई जरूरत नहीं बच्चे को बोलना कि माय डैड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, अरे कोई सुपरमैन हो या रजनीकांत हो तुम। हमें बोलना पड़ेगा बच्चे को कि फेल हुए हैं हम, संघर्ष किया हमने, और ऐसे ऐसे उसमें से बाहर आए, जिंदगी में ये होता है वो होता है ना। अरे बोलना पड़ेगा कि बेटा इसमें ना ये हालत चल रही, तो ये चीजों में थोड़ा सा शॉर्ट हाथ रखो, सॉरी यस, तुम चिंता मत करो हम है ना। अरे ऐसा थोड़ी होता है, प्लीज नोट करना। जीवन के जो सबक है ना, मैं आपको बताऊं, माता और पिता दोनों ही सिखाएंगे। उसमें भी माता की जिम्मेदारी संस्कारों की ज्यादा आती है, और पिता की जिम्मेदारी लाइफ लेसन की ज्यादा आती है। दोनों फर्क है, दोनों दोनों जिम्मेदारियां कर सकते हैं क्या? डेफिनेटली कर सकते हैं, बट उतनी ऊर्जा कहाँ से लाओगे आप, है ना। तो लाइफ लेसन होता है, व्यवहार ज्ञान होता है, थोड़ा सा इधर होता होता है। गेम्स खेलते हैं लोग, गेम्स पीपल प्ले, आपने सुना होगा भाई, ये सब जो बातें चल रही है वो करना पड़ेगा, समय निकालना पड़ेगा। और जब ये कंसिस्टेंटली होगा और ध्यान से सुनेगा, एक प्रिंसिपल मैं बता रहा हूँ आपको, 80-20 प्रिंसिपल आपने बहुत बार सुना होगा, 80-20 प्रिंसिपल हर जगह चलता है। यस, मैं आपको बोलूं, अगर 10 बार आप बच्चे के साथ कनेक्ट कर रहे हो, ध्यान से सुनिए, 8 बार सिर्फ पॉजिटिव पे डिस्कस करके कनेक्शन क्लोज कर देना है, 8 बार, 10 में से 8 बार अंगूठा रिजर्व रखना है, यू नो, है ना, अंगूठा है ना, बच्चे कर देना अंगूठा। तो 10 में से 8 बार पॉजिटिव पे एंड करना है, और 10 में से 2 बार, यानी हर 5वीं बार क्या करना है, बच्चे के साथ शांति से बैठ के उसका प्रॉपर रिव्यू लेना है, प्रॉपर रिव्यू लेना है। तो क्या होगा, बच्चा आपके पास आने से डरेगा नहीं। एग्जाम्पल, मैंने मेरी बेटी को बोला कि बेटा एक काम करते हैं, अगले गुरुवार को हम आपके स्टडी का एनालिसिस करेंगे, तुम जरा कागज पे चीजें उतार के रखना, हम डिस्कस करेंगे कौन से सब्जेक्ट का क्या स्टेटस है, कैसे चल रहा है, कहाँ प्लस है, कहाँ माइनस है, और मैं कैसे मदद कर सकता हूँ। मैं तो एक स्टडी स्किल एक्सपर्ट हूँ, मेमोरी का मास्टर ट्रेनर हूँ, तो मैं घर बैठे ये सिखा सकता हूँ। तो उसको पता है कि गुरुवार को मेरे को सवाल पूछे जाएंगे, उससे पहले वो सेफ है। ये ज्यादा जरूरी है, अभी जो मैंने बोला क्या, गुरुवार से पहले वो सेफ है, तो उसको मैं यानी कोई आड़े तेड़े सवाल पूछ के अनकंफर्टेबल नहीं करने वाला। तो ये उसे पता है कि ये जो अगले 2-4 बार उसको मौका मिलता है, वो मेरे पास आके कुछ भी सवाल पूछ सकती है। आज उसने पूछा कि मुझे उसके दोस्त है नाइट आउट के लिए जाना है, मैं बोला बेटा वो परमिशन तो मम्मा देगी। बोले आपकी साइड से क्या, मैंने बोला मम्मा की साइड मेरी साइड है ना, थोड़ी सी इधर उधर की बात होगी। फिर उसने कहा पापा मेरे को छुट्टियां हैं, तो क्या मैं आपके साथ थाना आ सकती हूँ आपके प्रोग्राम के लिए। अब देखिए बच्ची, टीनेज बच्ची आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती, पूरा दिन आपके साथ रहना चाहती, अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि उसे पता है कि सवाल अचानक मूड के बेसिस पे नहीं पूछे जाएंगे। पप्पा का मूड खराब है तो हाँ कितने मार्क मिले थे पिछले टेस्ट में, बताओ क्या हुआ था मैथ में, हाँ इंग्लिश की तो वाट लगी है ना, हम तो यहाँ दिन भर काम करते मेहनत करते ये करते वो करते, और तुम्हें तो कदर ही नहीं बाप की। अब इससे क्या बच्चा आके गले लिपट जाएगा आपके, मैं आपको बताता हूँ, सिस्टम रखेंगे, महीना में 2 बार रिव्यू करेंगे बच्चे का तसल्ली से, बाकी दिन कुछ नहीं, कुछ भी अगर खटका, ध्यान से सुनिए, कुछ भी अच्छा नहीं लगा कागज में, यू नो ऐसे छोटी सी डायरी हमेशा रखनी है, रख सकते हैं। मान लो मेरे को एक बात अच्छी नहीं लगी कि आज मेरे घर में हल्दी कुंकू का प्रोग्राम था, 2-4 बड़े बुजुर्ग आए, बच्चे ने उनके चरण नहीं छुए, मैं लिख दूंगा, आज भाषण नहीं दूंगा, गुरुवार को ही चर्चा होगी,
एक ही बार में कि बेटा मैंने ऑब्जर्व किया, ये आंटी आई थी, दादी की दोस्त आई थी, आपने उनके चरण नहीं छुए, भूल गई पापा, ये हो गया, मैं अलग काम में थी, मम्मी ने मुझे ये बोला था, जो भी है अगली बार से करना बेटा, खत्म काम। यस और यस, ये तरीका है। मैं आपको बोलूं, हम हमारे मेड्स को, हमारे नौकरों को, हमारे कोवर्कर को और सारी दुनिया को, ट्रैफिक को, सबको इज्जत देते हैं, सबको सिस्टमेटिकली शांति से बात करते हैं। यस और यस, तो बच्चे के साथ कौन करेगा, हमें ही करना पड़ेगा। और क्या हुआ है, ध्यान से सुनिए, गलती आपकी नहीं है, मेरी नहीं है, पेरेंट्स की नहीं है, हमें इतना डराया जा रहा है ना, यू नो हॉरर मूवी के जैसा, कि ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे तो बच्चे का भविष्य अंधेरे में ही हो गया, तो हम पैनिक हो रहे, कंपटीशन बहुत बढ़ गई, ये हो गया वो हो गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो वो इनसिक्योरिटी की वजह से हम पे प्रेशर आ रहा है, वो प्रेशर बच्चे पे जा रहा है, उससे हमारा और बच्चे का रिलेशन खराब हो रहा है। मैं आपको बताऊं, मेरे पास एक लड़का है, 6 बार 10th में फेल हुआ था, 2 साल में लाइफ में सेट हो गया, सिर्फ 2 साल में, एजुकेशन के माध्यम से नहीं, कुछ और स्किल दे दिया उसको, अब ठीक से घर चलाता है, अब सोच रहा है कि बिजनेस का डुप्लीकेशन कैसे करे, ब्रांचेस कैसे निकाले। लाइफ में सक्सेस होने के लिए, पैसा कमाने के लिए, करियर के लिए कई सारे मार्ग मिलेंगे, बट रिलेशन खराब हो गया, कैसे आएगा वापस? तो महीना में 2 बार आपको समय निकालना है, उस वक्त आप जो भी चीज, क्योंकि क्या होता है, प्लीज नोट करें, अगर आप दिन भर काम करके आते हो, कुछ उल्टा पुल्टा हो गया, आपका मूड अच्छा नहीं और सामने बच्चा आ गया, ऑल द बेस्ट। क्या कहा मैंने? ऑल द बेस्ट। अब आपको लग रहा है कि यार सिर्फ मेरे को, कितने सारे पेरेंट बोलते हैं सर, अब मेरे को गुस्सा आना तो स्वाभाविक है ना, तो मैं बोलता हूँ फिर बच्चे ने आपका ना सुनना भी स्वाभाविक है, आपसे डिस्कनेक्ट करना भी स्वाभाविक है, उसको भी उसका है ना ईगो, सिर्फ क्या है, वो आपका बच्चा है, आप उनकी माँ या पिता हो, तो आपको ये नहीं बोलेगा कि मुझे आपका गुस्सा आया है, बट वो ये मन ही मन बोलेगा, दो कान भगवान धन्यवाद, दो कान दिए, इधर से कितना भी आने दो, इधर से मैं भेज देता हूँ। फिर बोलते हैं सर मैंने कितनी बार समझाया उसको, फिर भी नहीं समझता है, क्योंकि आपने उसका दूसरा कान चालू किया है। तो मेरे आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है, और ये बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा है, मैं आपको बताऊं, मेरे पास ऐसे सैकड़ों केसेस आके गए हैं कि पप्पा या मम्मी या दोनों है ना, या दोनों, प्लीज नोट करना, किसी कंपनी में सुपर पोजीशन पे है, ये लंबी चौड़ी 200 250 300 लोगों की टीम को लीड कर रहे हैं, मैनेजमेंट के बड़े बड़े अवार्ड ले रहे हैं, और बच्चा बोलता है कि मैं सारी दुनिया की सुनूंगा, इसकी नहीं सुनूंगा, क्योंकि जाने अनजाने में ये जो कचरा है, गार्बेज है, थके घर पे आने के बाद वाला, वो हमने वहां डाला। तो एक आखिरी पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा, ये आपको आपके पति को सुनाना है, महिलाओं को, पति जो अगर मान लो यहाँ पुरुष है सुन रहे तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो वीडियो देता हूँ, वीडियो के आखिरी 2-4 मिनट उनको सुना देना। इम्पोर्टेंट बात क्या है, अगर मान लो आपका वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा है, मीटिंग्स वगैरह चल रही है, रूल बना दो ये हफ्ते भर में हम बच्चे के साथ कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस नहीं करेंगे। मान लो मैं सेल्स में था, तो एज अ सेल्स प्रोफेशनल मंथ एंड में टारगेट का बड़ा ये रहता है, क्या रहता है, प्रेशर रहता है, यस और यस शो ऑफ हैंड्स। तो अगर टारगेट का प्रेशर है और उसमें मेरे सामने बच्चा आ गया, तो फिर तो भगवान बचाए, यस और यस है ना। तो अगर इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रही है या कुछ ऐसा प्रेशर है, तो वो फेज में बच्चे के साथ कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट पे डिस्कस नहीं करेंगे, ना कोई सवाल पूछेंगे, दूसरे घर के किसी और व्यक्ति को बोलेंगे तुम संभाल लो, पार्ट 1, ठीक है, डन। पार्ट 2, अगर मान लो किसी कारणवश आपका वर्क शेड्यूल इतना टाइट हो गया कि रोज आप घर पे शाम को जब वापस आते हो थक कर आते हो, एग्जाम्पल आज मेरी बात है, आज कम से कम मैंने 10:30 बजे घर पहुंचना है, 10 तो बच चुके अभी यहाँ पे, बराबर है, सुबह 9:45 का ऑफिस आया हूं,
तो फिर मैं थोड़ी देर के लिए गया था, तो मैडम ने गुड न्यूज़ सुना दी कि आज हमारा हल्दी कुमकुम का प्रोग्राम है, 3 घंटा 4 घंटा बहुत सारी महिलाएं आएंगी, तो मुझे शांति चाहिए, आपका भाषण ऑफिस से दे दो। हम निकल गए ऑफिस चुपचाप, क्या करें, अभी घर में जाना है, रहना है, खाना पीना चाहिए, तो भाग गया वहां से। अब चांसेस ये है कि मान लो 12 घंटे के मैराथन दिन भर के काम के बाद मैं घर जाऊं, तो हो सकता है मैं उतना एनर्जेटिक ना रहूं, थक जाए शरीर है। तो जब भी आपको पता लगे कि आपकी बॉडी एनर्जी कम हो गई है, एग्जर्शन ज्यादा हो गया है, आप थक गए हो, तो आपको क्या करना है, सिर्फ एक प्रोग्राम करना है, कोई इंपॉर्टेंट डिस्कशन इस वक्त नहीं होगा। यानी अब मैं घर जाऊंगा, अगर छोटी बेटी तो सो गई होंगी, बड़ी मेरे सिवा नहीं सोती, मैं जब तक नहीं पहुंचता तो वो होगी, सिर्फ हग करेंगे, गुड नाइट बेटा बोलेंगे, मम्मा के पास जाएंगे, उनके चरण स्पर्श करेंगे, वो भी सोने के मूड में आएगी, कोई डिस्कशन नहीं, कुछ नहीं, ग्लास भर पानी पियेंगे, सो जाएंगे चुपचाप। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक भी आया तो जानबूझकर कल सुबह तक ढकेलेंगे उसको। दो चीजें करनी, मैं आपको बताऊं, आप जैसा सुपर गाइड आपके बच्चे को कुछ नहीं, कोई नहीं मिलेगा। से मेरे पास लाख लाख डेढ़ डेढ़ लाख फीस भर के लोग बच्चों को कोचिंग को भेजते हैं और मुझे पूछते हैं तुम क्या सिखाओ। डेफिनेटली मेरे पास बहुत बड़ा एजेंडा है ना, आई एम अ सुपर ट्रेनर, उसमें कोई शंका नहीं है, बट फिर भी मैं उनको बताता हूँ कि जीवन ने 40 साल की उम्र आते आते, मान लो टीनेज बच्चा है तो 35-40 तक तो आ ही जाते हैं लोग, या सॉरी महिलाएं, माफ करें मुझे अगर उम्र बढ़ा दी तो, वो भी प्रेशर रहता है। तो मैं लोगों को इतना ही बोलता हूँ कि जीवन ने धक्के मार मार के जो सिखाया है मुझे, वो बच्चों को बिना धक्के के सीखना मिले, इतना ही मैं करूंगा। वो आप भी कर सकते हो एज अ पेरेंट, मैं भी कर सकता हूँ, और दिल पे हाथ रखे ईमानदारी से ये बात बोल रहा हूँ, मैं कोच हूँ, आपका बच्चा मेरे पास आएगा मेरा तो बिजनेस होगा, बट एट द सेम टाइम ये बात उतनी ही सच है कि आप खुद भी कर सकते हो, आपने भी तो जीवन में संघर्ष किया है, सक्सेस हुए हो, तो आप भी सिखा सकते हो। फर्क क्या है कि जैसे मैं अपने आप को राइट फ्रेम ऑफ माइंड में रखता हूं ताकि शांति से सुन सकूं और शांति से समझा सकूं, बराबर है, यस, शांति से सुन सकूं, शांति से समझा सकूं, अगर ये बात मैं कर सकता हूं, इस एग्जैक्ट सेम बात अगर आप कर सकते हो, तो आप भी आपके बच्चे को कोच कर सकते हो, यस और यस। सारी दुनिया के मेरे पास थोड़ी आ रही है, नहीं आ रही है ना, बट ये बात कौन सी कि आप पीस ऑफ माइंड के साथ पर्सनैलिटी बेस्ड पेरेंटिंग करेंगे तो अच्छे रिजल्ट आएंगे, बच्चा आपकी सुनेगा। और अगर ये नहीं हुआ तो मैं आपको बताऊं, कलयुग है, दुनिया शैतानों से भरी है, हर किसी को आपके बच्चे का अटेंशन चाहिए ताकि वो कोई ना कोई पर्पस सॉल्व हो जाए। एवरी वन इज अ कस्टमर है, हम सब क्या है, कस्टमर है, फ्री कुछ नहीं है, ये सेशन भी फ्री नहीं है, यस और यस। ये सेशन का क्या हमें फायदा होता है, डेफिनेटली होता है। कुछ लोग जो जिनको लगता है कि यार इन लोगों के पास सच में टैलेंट है, सच में ज्ञान है, ये सच में दो अच्छी बातें बोल सकते हो, वो हमारे पास आ जाते हैं पेड क्लाइंट बन के, इसमें कुछ गलत भी नहीं है, यस और यस। बट पॉइंट क्या है, एटलीस्ट मैं हूं या हमारी जैसे कुछ और इंस्टीट्यूट है जो भगवान का नाम लेके सेशन चलाते हैं, तो हम एटलीस्ट आपको कुछ गलत गाइडेंस तो नहीं देंगे, गलत प्रॉमिस तो नहीं देंगे, गलत सपने तो नहीं दिखाएंगे। बाकी लोग तो बोल रहे हैं, 2000 में से 10 बच्चे आ जाते हैं मेरिट में, उनके फ्लेक्स लगा के 2000 के एडमिशन लेते हैं, ये बिना शर्म के, ध्यान से सुनिए, लिखा जाता है पर्सनलाइज्ड अटेंशन, स्पेशल बैच, ये बैच वो बैच, और अंदर जाओ तो मुर्गे मुर्गा जो होते हैं ना, मुर्गी का घर, कुराड़ा कहते हैं उसे मराठी में, यू ना, उसमें कम भीड़ होगी, इंस्टीट्यूशंस में ज्यादा है, और ये हर जगह हो रहा है, यस और यस। तो फिर से एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन, मुझे पता है मैं दो दो तीन तीन बार बातें बोलता हूँ, बट जरूरी है, मजबूरी हो गई हमारी ये बोलना, कि आप और आपके पार्टनर यानी पति और पत्नी दोनों, या पिता और माता दोनों, आपका पीस ऑफ माइंड में, राइट माइंड सेट में समय निकालना और बच्चे को गाइड करना, उसको सुन के लेना, और 80-20 रूल, 2 बार रिव्यू, वो भी सिस्टमेटिक, गुस्से की वजह से नहीं, मार्क कम आ गए इसकी वजह से नहीं, या बच्चे ने कुछ आज पंगा कर दिया इसकी वजह से नहीं, सिस्टम लगा दो, 15 दिन में एक बार बैठेंगे, डिस्कस करेंगे, तब जाके रिजल्ट आएंगे।
और तब जाके बच्चे को एक अच्छा वेल विशर एज अ कोच एज अ गाइड मिलेगा। एक बात बताऊं, अभी पिछले हफ्ते मैं बात कर रहा था, शायद मैंने ये एक सेशन में बोला भी, मैं और मिनल मैम हम इतने व्यस्त हो गए कि इस साल हम 10 से ज्यादा नए बच्चे ले ही नहीं सकते कोचिंग के लिए, समय कहाँ से लाएंगे ना। 1 to 1 अगर घंटा घंटा किसी बच्चे के साथ डालने तो हमारी नहीं है क्षमता, तो जरूरी नहीं कि हम ही कोचिंग करें। पॉइंट क्या है, आप में से हर कोई ये गाइडेंस दे सकता है, कोचिंग कर सकता है, शुभचिंतक हो आप, अच्छे इंटेंशन रखते हो, बट आपको क्या करना पड़ेगा, अपने अंदर के उस पेरेंट को ना थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे वो पेरेंट जाग जाता है इमोशन जाग जाते हैं, इमोशन जाग जाते हैं सत्यानाश हो जाता है। नहीं तो पॉइंट क्या है, बच्चा क्या चाहता है, बच्चे का भला हो, आप क्या चाहते हो, बच्चे का भला हो, फिर दिक्कत क्या है। टोन पिच, बॉडी लैंग्वेज, गुस्सा और टाइमिंग, यही सब तो सत्यानाश कर देते हैं, चाहे वो माँ बच्चे का रिलेशन हो, सास बहू का हो, या बिजनेस पार्टनर्स का हो, या और किसी का हो। मुझे उम्मीद है मैं मेरी बात को बहुत ही स्पष्टता के साथ और सिंसियरिटी के साथ आप तक पहुंचा पा रहा हूँ। प्लीज इस बात को अमल करें, और ये सेशन जो है ना, मैं मेरी तो रिक्वेस्ट है सभी महिलाओं को, यहाँ महिलाएं ज्यादा है सेशन में, तो प्लीज आपके पार्टनर्स के साथ आप ये ना वीडियो लगा के शांति से बैठ के देखे, 2 4 नोट्स निकाले, जरूरी है। यस, थैंक यू, जय श्री कृष्ण।